नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ करने के बाद क्या चीज वर्जित होता है और पूजा पाठ करते समय किस चीज को ध्यान रखना चाहिए और पूजा करने के तुरंत बाद क्या चीज नहीं करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। आज इसके बारे में मैं आपके सामने सहज जानकारी प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आप प्रतिदिन करने वाले नित्य कर्म और घर में यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा इत्यादि करने के बाद विशेष तरीके से क्या चीज नहीं करना चाहिए, इसका विषय मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। नित्य कर्म करने के बाद आप सर्वप्रथम तो पूजा आप नित्य करते हैं, पहले आप घर में नित्य पूजा करने के बाद आप मंदिर जाकर पूजा करेंगे तो आपको उत्तम फल का प्राप्त होगा। ऐसा ही पूजन करने के बाद आप नित्य कर्म हो अथवा कोई भी विधि हो, पूजा करने के तुरंत बाद आपको हाथ मुंह नहीं धोना चाहिए और नहीं स्नान करना चाहिए। पूजन करने के तुरंत बाद वस्त्र चेंज नहीं करना चाहिए और पूजन करने के तुरंत बाद मन से अथवा जबान से अपशब्द का स्मरण अथवा उच्चारण नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर अमित्य भावना नहीं लाना चाहिए। पूजन के तुरंत बाद आप किसी को धन देना और किसी से धन अर्जन करना अथवा लेना उधार में, यह भी आपको पूजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। पूजन करने के बाद हाथ धुलना, स्नान करना, मुंह धुलना, वस्त्र चेंज करना, किसी को द्रव्य देना, ये दरिद्रता को आगमन करते हैं और आपका किया हुआ पूजा पाठ अथवा शुभ कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज को विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है और आप भगवान के पूजन करने के बाद कन्या को भोजन कराना, कन्या पूजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और इत्यादि अगर आप करेंगे तो आपके लिए हर कार्य के लिए अच्छा और सहज फल प्रदान कारक रहेगा। इसके साथ में भगवान की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें, दूसरे को भी प्रसाद वितरण करें और बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करें और उनके चरण स्पर्श करें। इस तरह से अगर विधिवत तरीके से अगर आप पूजन करेंगे और इस तरह से आप नियम का पालन करेंगे तो आपको पूजन का सहज फल प्राप्त हो सकता है। हस्त मित्र, आज के लिए इतना ही। फिर एक और टॉपिक लेकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। हरिओम।